फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में बताना होगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इसमें सिर्फ एक वर्ड जो आया है तुम्हारे लिए, जो थोड़ा सा अलग सा है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम की आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। तो इसको मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब जैसे जैसे हमारे किसी एटम के नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। यानी कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ये बढ़ती जाती है। और जिस वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वह वीक पड़ जाता है। और इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो चलिए इसको हम किस तरीके से कहेंगे कि किसी गैसियस एटम की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को या वह एनर्जी हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल एक एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी आपको पता है किसी भी यूनिट में मेज़र की, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट होती है एनर्जी को मेज़र करने के लिए। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए तीन यूनिट बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? दिस एनर्जी इज जनरली मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरीज पर मोल और किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरीज पर मोल, किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ टर्म समझ नहीं आते, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि अलग है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन स्टेजेस वन बाय वन, विच मीन्स कि अगर हम किसी एटम से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन स्टेजेस में यानी कि वन बाय वन रिमूव होंगे। जैसे कि इसको आप ऐसे मान लीजिए कि कोई एटम है, तो हम उससे तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहते हैं, तो तीनों एक साथ ना निकल के पहले एक रिमूव होगा, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और फिर उसके बाद थर्ड रिमूव होगा। इसी के लिए ये लाइन यूज़ की गई है, रिमूव्ड इन स्टेजेस वन बाय वन। कॉन्सिक्वेंटली देयर मे बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और nth आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन द रिमूवल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और nth इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। विच मीन्स कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और इसी वे में आगे पढ़ते हुए nth इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम nth आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हम इस तरीके से कह सकते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट m इंटू m पॉजिटिव। विच मीन्स कोई एटम है, उसको उसी के यूनिट चार्ज आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक किसी तरीके से कोई यूनिट चार्ज आयन है, उसको उसी के टू पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। और इसी वे में आगे बढ़ते जाएंगे, विच मीन्स एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद एक हमारी छोटा सा इम्पोर्टेंट नोट है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज इन द ऑर्डर फर्स्ट लेस देन, सेकेंड लेस देन, थर्ड एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेकेंड से कम होगी, सेकेंड वाले की जो वैल्यू होगी वो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होगी, और इसी तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब ये क्यों है, मतलब कि ये जो हमारा ऑर्डर आया है, ये किस कारण से आया है, तो इसके लिए रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज द रिमूवल ऑफ सेकेंड, थर्ड और nth इलेक्ट्रॉन इज़ डन
अगेंस्ट ग्रेटर एंड ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे, सपोज़ हमने कोई एटम लिया था और वहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया और वो फर्स्ट यूनिट चार्ज आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल आता है वो आता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होता है वो ईजिली रिमूव हो जाता है, यानी कि उसके लिए हमें एनर्जी जो देनी होती है वो कम देनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे होगा, जब हम एम पॉजिटिव आयन से कन्वर्ट करेंगे एम टू पॉजिटिव आयन में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाते हैं, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इंक्रीज होता जाता है। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स मीन्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इंक्रीज होगा तो हमें किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी होगी, कम तो देनी नहीं होगी। ठीक है, अब एनर्जी ज़्यादा देनी होगी तो विच मीन्स कि हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से ये हमारा ऑर्डर आया है, फर्स्ट लेस देन सेकेंड लेस देन थर्ड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल को कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ मैंने दो या तीन फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग में आ जाए तो आप लोग इससे ज़्यादा भी फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं बता दूंगी आपको। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। लार्जर द साइज ऑफ द एटम, स्मॉलर विल बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे किसी एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वह कम होती जाएगी। अब ये है क्यों, इसको आप ऐसे समझिए कि जब किसी एटम का साइज बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स वीक हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज हो जाएगा, और उसको रिमूव कराने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी। इसी वजह से हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे कहा गया है वो स्मॉल कहा गया है। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज। द हायर द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। विच मीन्स कि अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा और हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। विच मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के द्वारा मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा, और हम अगर उसको रिमूव कराना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी। विच मीन्स कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर थर्ड, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स की शेप भी आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करती है। कैसे, कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, यानी कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। विच मीन्स हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा एस ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल के लिए एस से कम होगा बट डी से ज़्यादा होगा। डी ऑर्बिटल के लिए पी से कम होगा बट एफ से ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर हमारा किस वजह से आया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एस ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा काम करता है। इस वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल एस ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा होगा। इसी तरीके से पी ऑर्बिटल जो है एस ऑर्बिटल के बाद आता है, यानी कि पहले न्यूक्लियस के पास एस ऑर्बिटल होगा फिर पी ऑर्बिटल होगा, तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स पी ऑर्बिटल के लिए एस ऑर्बिटल से तो कम होगा बट डी ऑर्बिटल से ज़्यादा होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल के बाद आता है। ठीक है, इस वजह से हमारा ये ऑर्डर आता है कि एस ऑर्बिटल के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल पी ऑर्बिटल से ज़्यादा होगा, पी ऑर्बिटल के लिए डी ऑर्बिटल से ज़्यादा होगा, डी ऑर्बिटल के लिए एफ से ज़्यादा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये फैक्टर्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे ग्रुप में आकर डिस्कस कर सकते हैं।